गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट प्रॉब्लम. द क्वेश्चन इज श्री पी एम वार्तियन सन वारियन हैज जस्ट कंप्लीटेड 5 years ऑफ एज. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड a sum of rupees 50,000 when Warren completes 21 years. Shivardhan has decided to invest a fixed sum of money every year beginning immediately. And the last payment will be when Warren complete 21 years. So find the fixed sum of money assuming money earns an interest of 8% per annum. So that's the question. Okay, तो जो आपको देखिए इस question में given है, जब Mr. Vardhan का son 5 years का था और फिर वो 21 years का हो गया, then you will have to find the difference कि इस time period में कितना difference है. ठीक है, तो 21 minus 5 दैट इज 16. तो 16 years तक आपको इसको करना होगा. लेकिन जो कंपाउंडिंग स्टार्ट हो रही है वो एंड ऑफ द ईयर से हो रही है या फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रही है, इस पर डिपेंड करेगा. अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रही है तो 16+1 हो जाएगा, क्योंकि वो साल भी कंसिडर होगा ना. तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि बिगिनिंग से ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया था, तो जो टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा वो होगा 16+1=17 years का. ओके, तो दैट वॉज अबाउट द टाइम पीरियड, दैट इज 17 years. एन हो गया यहाँ पे आपका 17 years. एंड देन द इंटरेस्ट रेट एंड दैट इज गिवन टू द 8% पर एनम. ठीक है, उसके बाद सो लेट द फिक्स्ड सम बी एक्स. जो फिक्स्ड सम उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसको हम x कंसीडर करते हैं, रुपीज़ x. ठीक है, नाउ आफ्टर 1 year देखिए क्या हुआ. इट विल बी 108/100x. आफ्टर 2 years इट विल बी 108/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जितने ईयर्स होंगे कंपाउंडिंग होती जाएगी तो पावर बढ़ती जाएगी. जो प्रीवियस ईयर का उसको भी आप कंसीडर करोगे, इस तरह से होता है ये. ठीक है, सो इन दिस वे जो आपका टोटल सम बनेगा वी विल गेट, तो फर्स्ट ईयर का सम हो गया x, सेकंड ईयर का होगा 108. फर्स्ट मतलब जब उन्होंने बिगनिंग में किया था तो एक्स था, आफ्टर 1 year क्योंकि बिगनिंग में करते थे तो एक्स, इसलिए आप सेकेंड ईयर नहीं बोल सकते इसको, आफ्टर 1 year बोलेंगे.
108/100x, 108/100 होल स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन टिल जो 17th ईयर होगा बेसिकली उसमें से आपका वन माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पावर जो है एन माइनस वन चल रही है, फर्स्ट में पावर जो है वो ये है, ये फर्स्ट आफ्टर वन ईयर आफ्टर टू ईयर, तो आफ्टर 17 ईयर जो है तो यहाँ पर पावर आ जाएगी आपकी 17-1 दैट इज 16, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नाउ ये आपकी एक पूरी एक सीरीज़ बन गई है देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, इससे इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आपका फॉर्मूला होता है, वी विल यूज़ दैट ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन दैट वी आर गोइंग टू यूज राइट हियर। तो एक्स आपने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, तो जो आपकी जो सीरीज़ बनी थी वो कैसे बनी थी देखिए, एक्स कॉमन लेने के बाद 1+108/100 +108/100 टू द पावर टू एंड सो ऑन टिल 108/100, यहाँ पर भी एक्स था बच्चों, ठीक है, पावर 16। तो अब इसका फर्स्ट टर्म आपको दिख ही रहा है कि एक्स है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म वन है अंदर, ठीक है, और आर इसमें कितना है 108/100 से ही ये आगे बढ़ रही है उसी की मल्टीप्लिकेशन से, तो कॉमन रेशियो 108/100 वही है, तो हो गया आपका 108/100 टू द पावर एन, एन कितना है इसमें 17 है, जो वो सीरीज़ बनी थी यहाँ पर तो एन माइनस वन था तब हमने 16 लिया ना, माइनस वन अपॉन 108/100 माइनस वन, तो देखिए कैसे हो गए सॉल्व। आपको दिया है इसमें कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, देखिए क्वेश्चन में दिया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड 50,000, यानी कि इन सबका सम कितना है 50,000 है, तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी ऐसे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे फर्दर 1.08 टू द पावर 17 माइनस वन अपॉन ये हो गया आपका 1.08 माइनस वन, ठीक है, इज इक्वल टू 50,000, तो इसको आपने और सॉल्व कर लिया तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर में आजकल होता है कि आप कितनी पावर निकालना चाहेंगे इसे उसकी निकाल सकते हैं, और लॉग की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, तो अगर कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो 3.7 आ जाएगा माइनस वन अपॉन, और कैलकुलेटर अलाउड भी होगा एग्ज़ाम में, ठीक है, तो आप कैलकुलेटर की यूज से हेल्प से निकाल लेंगे। आप जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट ये हो गया आपका 2.7/1.08, जब इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 50,000 इंटू 0.08 अपॉन टू, ये हो जाएगा 270 डिनोमिनेटर में, ये बेसिकली एक्स की वैल्यू है, एक्स बाकी चीज़ों को जब आप दूसरी साइड ले जाओगे तो ये यहाँ चला जाएगा आपका, ये भी नीचे जाएगा, ठीक है, ये इससे ऐसे पावर हटाने के बाद नीचे यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, ऐसे आप फर्दर 2.7 रखिए इसको, उसके बाद में इसको सॉल्व करिए, जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे देन यू विल गेट 1481, तो कैलकुलेटर से भी हो जाएगा आपका
अप्रॉक्स दैट इज द आंसर। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो जब किसी पर्सन ने इतने रुपीस इन्वेस्ट किए होंगे 16 इयर्स बैक एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड सो दैट ही विल बी एबल टू गेट 50,000 आफ्टर दिस 16 इयर्स पीरियड। देन लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 एट पेज नंबर 345 ऑफ द बुक बिजनेस मैथमेटिक्स काजी जमरुद्दीन। फाइंड द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1,000 फॉर 10 ईयर्स एट द रेट 4 ईयर्स पर एनम। इंटरेस्ट पेड क्वार्टरली, तो इंटरेस्ट जब आप क्वार्टरली पे कर रहे हैं तो कैसे, अभी तक तो एनुअली पे कर रहे थे या एनुअली रिसीव कर रहे थे, नाउ अगर क्वार्टरली हो गया या सेमी एनुअली हो गया तो फिर हम किस तरह से करते हैं। तो जो हमारी इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाती है, इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट, सपोज़ कैपिटल आई ले लिया आपने, उसके लिए फॉर्म तो 1+i/m एंड पावर में n इंटू एम हो जाता है, वेयर यह फॉर्मूला लिख लीजिए इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट का है, ये इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इसमें देखिए i तो आपका सिंपल इंटरेस्ट है जो कि यहाँ पे 4% दे रख, जो कि यहाँ पर हाँ 4% पर एनम दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट। एंड m इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, कि एक साल में कितनी बार कंपाउंड, फ्रिक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग विद इन अ ईयर। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इज 4% पर एनम एंड स्मॉल एम जो फ्रिक्वेंसी है वो है क्वार्टरली। तो क्वार्टरली एक साल में कितने क्वार्टर्स आएंगे आपके, 4 आएंगे, देखिए है ना 12 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स आएंगे। तो एम की वैल्यू है यहाँ पर 4, एन की वैल्यू है आपकी फॉर 10 ईयर्स। नाउ यू नीड टू फाइंड द आंसर कि आप इसको कैसे करेंगे। तो जो आपकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है कि इसकी कितनी वैल्यू होगी, तो पी इंटू 1+i/m-1 इस तरह से आप इसको कर लेंगे। बेसिकली ये तो आपका बना क्या, ये तो आपका है इंटरेस्ट वाला पार्ट, देखिए स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट दिस एज योर आंसर 1486। ठीक है, तो दैट इज़ द फ्यूचर वैल्यू और जो प्रिंसिपल था वो दैट वाज 1000 एंड आपसे इंटरेस्ट पूछेगा कि कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। तो एफ माइनस पी हो जाएगा, दैट विल बी 1486 माइनस ये फ्यूचर सम आप में से उसको माइनस करें, एक जीरो और था यहाँ पे, तो करेंगे तो 486 दैट विल बी योर आंसर। बुक में थोड़ा और भी अलग तरीके से सॉल्व किया होगा लेकिन बात वही है, आप लॉग की हेल्प से लिखा होगा लेकिन आजकल डायरेक्ट कैलकुलेटर में पावर्स कैलकुलेट हो जाती हैं तो आप पावर करके कर सकते हैं इसको, और नहीं तो लॉग लेके भी कर सकते हैं। दैट्स इट अबाउट टू